जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरा स्पेशल फोर्सेस की शूटिंग ट्रेनिंग के बारे में, फायरिंग ट्रेनिंग के बारे में, कैसे एक पैरा एसएफ को एक खतरनाक फायरिंग मशीन बना दिया जाता है। जब भी कोई सोल्जर एसएफ में ट्रेनिंग के लिए आता है तब उन्हें अपने वेपन चूज करने के लिए दिया जाता है। एक जगह पर बहुत तरीके के गन्स रखे हुए रहते हैं और सबको बोला जाता है अपने अपने चॉइस का गन उठा लो, और उसके बाद जब तक ट्रेनिंग होता है तब तक वो गन बॉडी से अलग नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में एक सेकंड के लिए भी अगर वेपन बॉडी से अलग होता है तो उसे पैरा एसएफ की ट्रेनिंग से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब एक ट्रेनी खाना खा रहे हो तब उनके लैप में वो गन होगा, वो सो रहे हो तो गन को पकड़ के सो जाए, इवेंचुअली जब वो बाथरूम में जा रहा हो तब भी गन उसके साथ में होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग ऑफिसर उस गन को छीनने की भी कोशिश करेंगे। जब एसएफ बनने के लिए आए हुए सोल्जर सो रहे होते हैं और गन उनके हाथ में होता है तब अचानक से ट्रेनिंग ऑफिसर आएगा और गन को छीनने की कोशिश करेगा। अगर उस वक्त पर गन को आप छोड़ देते हैं तो आपको वहीं से गुड बाय कह दिया जाएगा। सोते हुए भी आपको आपके गन का ख्याल रखना है। जैसे सोते हुए अगर आपके बॉडी पार्ट को कोई टच करता है तो आपको फील होता है, उसी तरह से एसएफ की ट्रेनिंग में अगर आपके गन को कोई टच करता है तो आपको अंदर से फील आना चाहिए, क्योंकि एसएफ की ट्रेनिंग के बाद वो गन आपकी बॉडी पार्ट बन जाता है। हमारे आर्मी की ट्रेनिंग में कहावत है कि हथियार चलाने से पहले हथियार संभालना सीख। अगर हथियार संभाल नहीं पाया तो उसे चलाने का कोई मतलब नहीं है। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है फायरिंग। पैरा एसएफ में फायरिंग एवरीडे होता है। एवरीडे एक सोल्जर को फायरिंग ग्राउंड में ले जाया जाता है, अलग अलग टारगेट दिया जाता है, अलग अलग मिशंस दिए जाते हैं, उनको कंप्लीट करना है। जंगल में दौड़ते हुए आदमी को फायर करना, मूविंग ऑब्जेक्ट को फायर करना, पहाड़ियों में मूविंग ऑब्जेक्ट को फायर करना, दूर से फायर करना, क्लोज क्वार्टर बैटल में फायर करना, दूर से एक छोटी से टारगेट के ऊपर फायरिंग करना, क्लोज क्वार्टर बैटल में क्विक फायरिंग प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। विद इन अ सेकंड आपको डिसीजन लेके फायरिंग करना है। अंधेरे कमरे के अंदर लेजर लाइट के साथ में आपको फायरिंग करना होता है। लगभग 22 किस्म की बंदूकें चलाना, उन्हें असेंबल करना, डिसअसेंबल करना एक पैरा एसएफ की कमांडो को सिखाया जाता है। पैरा एसएफ की शूटिंग ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण पार्ट है कॉन्फिडेंस फायरिंग। इसमें पैरा एसएफ के बॉडी के कंधों से सिर्फ 45 सेंटीमीटर दूर टारगेट को रखा जाता है। अब दूर से उस टारगेट को शूट करना है बशर्ते बॉडी को कुछ ना हो। इस प्रैक्टिस में गोलियां असली होती है। अगर कोई भी अपने टारगेट से चूकता है तो बॉडी की जान जा सकती है। इस तरह के ट्रेनिंग दोनों बॉडीज के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करता है, एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करता है कि चाहे उसका जान चली जाए लेकिन वो मेरा जान कभी नहीं लेगा। पैरा स्पेशल फोर्सेस हर रोज इतना ज्यादा फायरिंग करता है कि फायरिंग उनके लिए एक खेल जैसा है। हर एक पैरा स्पेशल फोर्सेस डेडली शूटर होता है। वो जहां पर फिंगर पॉइंट करेगा साला गोली वहीं पर लगेगी। कोई भी एनवायरमेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, फायरिंग की प्रैक्टिस एक पैरा एसएफ को बहुत ही उम्दा लेवल का करवाया जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि फायरिंग पैरा एसएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसकी ट्रेनिंग पैरा एसएफ में हर रोज होती है। इतर के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखना चाहते हैं एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।